लालची और मूर्ख शेर की है, जो निर्दयता से जानवरों पर हमला करता था। उसके इस बर्ताव से जंगल के सभी जानवर चिंतित थे और उसे घबरा गए थे। सभी जानवरों को ये चिंता थी कि शेर के ऐसे शिकार से एक दिन जंगल वीरान हो जाएगा और एक भी जानवर नहीं दिखेगा। क्या जानवरों की ये चिंता सच होगी या उनके इस परेशानी का कोई हल निकलेगा? जानने के लिए ये पूरा वीडियो अंत तक देखिए। पसंद आने पर सब्सक्राइब बटन पर क्लिक जरूर करें। एक बार की बात है, एक जंगल में एक लालची शेर रहता था। जंगल के सभी जानवर शेर से डरते थे, क्योंकि हर रोज वो अन्य जानवरों की शिकार करता था और उन्हें बड़ी संख्या में मार डालता था। एक दिन सभी जानवरों ने योजना बनाई कि वे शेर को रोज एक जानवर भेंट करेंगे। सभी जानवर शेर के पास गए। एक भेड़िया ने शेर से कहा, महाराज, महाराज, हमारा एक निवेदन है। निवेदन? कैसा निवेदन? जिस तरह आप जानवरों को एक साथ मार रहे हो, जल्द ही जंगल में कोई भी जानवर दिखाई नहीं देगा। अगर हम आपको रोज एक जानवर भेजे तो कैसा रहेगा? आपको शिकार करने की भी कोई जरूरत नहीं रहेगी। ठीक है। हर रोज एक चुने हुए जानवर को शेर के पास भेजा जाता था। जब खरगोश की बारी आई, तब सब ने मिलकर चतुर खरगोश को भेजने का फैसला किया। खरगोश ने शेर की गुफा की ओर चलना शुरू किया, लेकिन वो शेर का भोजन नहीं बनना चाहता था। इसीलिए वो योजना के बारे में सोचते हुए धीरे धीरे चलने लगा और शाम होने पर शेर की गुफा में पहुंचा। शेर ने उसे गुस्से से पूछा, सुबह से मैं अपने भोजन का इंतजार कर रहा हूँ और जानवरों ने इतनी छोटी दावत भेजी है। तुम मेरी भूख नहीं मिटा सकते। मैं उन जानवरों को नहीं छोड़ूंगा। महाराज, हम सात खरगोश आपके पास आ रहे थे, लेकिन रास्ते में एक शेर ने हम पर हमला किया, लेकिन आप तक एक संदेश पहुंचाने के लिए उसने मुझे छोड़ दिया। कौन सा संदेश? उसने आपको ये चेतावनी दी है कि आप जंगल छोड़कर चले जाएं, क्योंकि आज से वो इस जंगल का राजा है। मुझे अभी उस शेर के पास ले चलो। जो हुकुम महाराज। चतुर खरगोश शेर को एक गहरे कुएं के पास ले गया। वो उसी कुएं में रहता है। शेर कुएं के पास गया और अंदर देखा। उसने पानी में अपना प्रतिबिंब देखा और सोचा, ये दूसरा शेर है। अपने प्रतिबिंब को भी गुर्राता देख शेर क्रोधित हुआ और उसने कुएं में छलांग लगाई और शेर पानी में डूब गया। इस तरह खरगोश ने, जिसे शेर छोटा और कमजोर समझ रहा था, शेर को चालाकी से फंसा दिया और जंगल के सभी जानवरों को बचा लिया। सभी जानवर समझ गए कि किसी भी परेशानी का हल चिंता से नहीं बल्कि समझदारी से निकलता है। चींटी और घमंडी हाथी। ये कहानी है एक घमंडी हाथी की, जो जंगल के बाकी सभी जानवरों को अपने सामने कुछ नहीं समझता था। दिन भर सभी जानवरों को परेशान करना उसका काम बन गया था, पर उसकी ताकत की वजह से कोई उसका कुछ नहीं कर पा रहा था। मैं हूँ हाथी, मुझे देख के दुनिया डर जाती, भालू, गेंडा या हो शेर। मेरे सामने किसी की न चल पाती, ताकतवर और शक्तिशाली। मैं हूँ हाथी। ए, तोते, क्या कर रहे हो? तुम्हें दिखता नहीं कौन आया है? मैं इस जंगल का सबसे ताकतवर जानवर हूँ। चलो मुझे झुककर सलाम करो। नहीं, मैं नहीं मानता। मैं क्यों सलाम करूं? अच्छा, मैं तुम्हें अभी अपनी ताकत का मजा चखाता हूँ। तोते ने फिर भी हाथी को सलाम नहीं किया। हाथी ने अपनी ताकत दिखाने के लिए पूरा पेड़ ही गिरा दिया, ताकि तोता उस पेड़ पर फिर कभी बैठ ना सके। तोता वहाँ से उड़कर चला गया।
अब पता चला मैं क्या कर सकता हूँ। मेरे सामने तुम सब कुछ भी नहीं हो। उसके बाद हाथी आगे बढ़ा और हर रोज की तरह नदी किनारे पानी पीने चला गया। उस नदी के पास एक छोटी सी गुफा थी जिसमें कई चींटियां रहती थी। वो हर रोज खाने का सामान इकट्ठा करती थी। हाथी अन्य जानवरों की तरह उन चींटियों को भी परेशान करता था। आज भी कुछ ऐसे ही हुआ। हाथी पानी पी रहा था तभी वहां से एक चींटी गुजर रही थी। चलो अब इन चींटियों को मजा चखाता हूँ। ए, ए, ए चींटी, ये लड्डू लेकर कहाँ जा रही हो? हाथी भाई, मुझे ये गुफा में रखना है। बारिश का मौसम शुरू होने वाला है, उसके पहले हमें बहुत सारा खाना जमा करना है। अच्छा, ऐसे कहकर हाथी ने अपने सुंड में पानी भरा और चींटियों की गुफा पर डाला। सब चींटियां भीग गई। उन्होंने इकट्ठा किया हुआ सब खाना बह गया। हाथी जोर जोर से हंसने लगा। चींटियां गुस्से से लाल हो गई थी। उन्होंने आज कुछ भी करके हाथी को सबक सिखाने की ठान ली थी। हाथी, तुम्हें बहुत घमंड है ना अपनी ताकत पर? तुम्हें तो हम सबक सिखा के रहेंगे। अरे जाओ जाओ, तुम मुझे क्या सबक सिखाओगे? तुम इतनी सी चींटियां मेरा कुछ नहीं बिगाड़ सकती। तुम्हें तो मैं अपने पैरों के नीचे कुचल दूंगा, देखना है कैसे। ऐसा कहकर हाथी अपना एक पैर चींटियों को डराने के लिए ऊपर करता है। तब सभी चींटियां हाथी के दूसरे पैर से उसके शरीर पर चढ़ जाती है। हाथी डर जाता है। ए, 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 तुम क्या कर रही हो? नीचे उतरो। कुछ चींटियां हाथी के कान में घुस जाती है तो कुछ कान से होकर सुन में घुस जाती है और सब एकदम से हाथी को जोर जोर से काटने लगती है। हाथी को बहुत दर्द होता है, वो रोने लगता है। हाथी की आवाज से जंगल के बाकी जानवर इकट्ठा हो जाते हैं और हाथी की इस हालत का मजा लेते हैं। बाहर निकलो, मुझे दर्द हो रहा है। हाथी से इतना चिल्लाने के बाद भी चींटियां उसे काटती रही। मैं तुम्हारे पैर पड़ता हूँ, मुझे छोड़ दो। मैं फिर कभी किसी को तंग नहीं करूंगा, मुझे छोड़ दो। चींटियों से सबक मिलने के बाद हाथी ने कभी किसी को तंग नहीं किया। तो दोस्तों, इस कहानी से हमें ये सीख मिलती है कि हमें अपनी ताकत का इस्तेमाल दूसरों को डराने के लिए नहीं बल्कि अच्छे कामों के लिए करना चाहिए। मेंढक और गाय। तालाब में एक बड़ा मेंढक अपने से छोटे मेंढकों को डराकर उनसे अपनी जय जयकार करवा लेता था। सबसे बड़ा कौन? बोलो सबसे बड़ा कौन? आप हुजूर, आप हुजूर। सबसे बड़ा कौन? बोलो सबसे बड़ा कौन? आप हुजूर, आप हुजूर। सबसे बड़ा कौन? बोलो सबसे बड़ा कौन? तभी अचानक और एक छोटा सा मेंढक कहीं से दौड़ कर आता है और अलग नारा लगाना चालू करता है। ओ हुजूर, ओ हुजूर। ये तुम क्या बोल रहे हो? माफी हुजूर, पर वो पहाड़ पर जो खड़ा है वो आपसे बड़ा है। क्यों? मेरे से बड़ा कोई नहीं हो सकता है। हाँ हुजूर, आपसे भी बड़ा है। बड़ा मेंढक अपने आप से कहता है, सच में अगर मेरे से बड़ा कोई जीव होगा तो ये लोग मेरा जय जयकार करना बंद कर देंगे। ये तो टेंशन वाली बात है। चलो हम भी देखना चाहते हैं कौन है हमसे बड़ा। सबसे बड़ा कौन? बोलो सबसे बड़ा कौन? आप हुजूर, आप हुजूर। सबसे बड़ा कौन? बोलो सबसे बड़ा कौन? आप हुजूर, आप हुजूर।
अरे ये तो सच में मुझसे बड़ा है। हुजूर आप उसके सामने कितना छोटे लग रहे हो। बड़ा मेंढक गुस्से से लाल हो जाता है। अरे इसमें कौन सी बड़ी बात है, मैं तो इससे भी बड़ा हो सकता हूँ। क्यों हुआ कि नहीं मैं उस गोज इतना बड़ा? तो बच्चों हमें इस कहानी से ये सीख मिलती है कि हर कोई अपनी जगह सही होता है। सभी में अपनी अपनी कुछ खास बात होती है, इसीलिए हमें किसी का अनुकरण नहीं करना चाहिए। भागो भेड़िया आया। एक गांव में एक बड़ा शैतान लड़का रहता था। उसे किसी बात की कोई भी परवाह नहीं थी। वो हर वक्त गांव के लोगों से कुछ ना कुछ शैतानी करता था। ए, क्या कर रहे हो? ए, मुझे बांधा क्यों है? उसकी आदतों से उसके घर वाले बहुत तंग आ चुके थे। उसी वजह से उसके पिता ने उसे भेड़े चराने का काम दिया, पर वहाँ भी उसकी शैतानी कम ना हुई। अरे यार आज बहुत बोर हो रहा है, कुछ तो मजेदार करना चाहिए। हाँ तभी उसकी आवाज सुनकर गांव के लोग अपने हाथ का काम छोड़कर दौड़े चले आते हैं। भेड़िया, अरे हमें उसकी मदद करनी होगी। अरे ओ, ओ, ए, 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 ए। अरे मेरी मदद कौन करेगा? हाँ, पर यहाँ तो कोई नहीं। उनकी भाग दौड़ देखकर लड़का उन पे खूब हंसता है। वाह क्या मजा आया, कैसे उल्लू बनाया सबका। वो बेचारे गांव वाले उस लड़के की हरकत पर नाराज होकर फिर अपने काम पर लौट जाते हैं। कुछ दिन बाद उसे वही भेड़िए वाली शैतानी करने का मन होता है। बचाओ बचाओ। गांव वाले फिर एक बार उसकी आवाज सुनकर मदद के लिए दौड़े चले आते हैं। पर वो शैतान लड़का फिर से उन पे हंसता है। मैंने तुम्हें फिर से बेवकूफ बनाया। अरे ये बड़ा ही शैतान है, फिर से वही शैतान। वो बेचारे गांव वाले उस लड़के की हरकत पर नाराज होकर फिर अपने काम पर लौट जाते हैं। कुछ दिनों के बाद जब वो लड़का भेड़िया चराते वक्त आराम कर रहा था, तभी अचानक से भेड़िये की आवाज सुनाई देती। असली भेड़िये की आवाज सुनकर लड़का डर जाता है। बचाओ बचाओ, कोई मेरी मदद करो, बचाओ। गांव वाले उसके चीख सुनते हैं, लेकिन अब उसकी मदद करने कोई नहीं आता। चीखने दो उसे, अब हम उसकी बातों में बिल्कुल नहीं आने वाले। भेड़िया एक एक करके उसकी सारी भेड़े खा जाता है। बेचारा लड़का सिर पर हाथ मारते मारते रोता रहता है। झूठ की वजह से वो अपनी सारी भेड़े गवा देता है। झूठे की बात पर कभी कोई यकीन नहीं करता। दोस्तों आपको हमारी स्टोरी कैसी लगी, हमें कमेंट करके जरूर बताइए। इस स्टोरी को लाइक और शेयर करें, और हाँ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू। भूखा भेड़ और समझदार बकरी। एक सुबह नन्ही बकरी और तितली लुका छुपी खेल रहे थे।
बकरी तितली को ढूंढ रही थी। पास ही एक भूखा भेड़िया अपना शिकार खा रहा था, तभी उसकी नजर उस बकरी पे पड़ती है। भेड़ बकरी के नजदीक जाता है। भेड़ को देखकर बकरी डर जाती है और जमीन पर गिर पड़ती है। ए भगवान! जैसे ही बकरी गिरती है, पास ही झाड़ी में छुपी तितली बाहर आ जाती है। तितली बकरी की हालत देख परेशान होकर वहाँ से निकल जाती है। अब मैं तुम्हें खा जाऊंगा। रुको, अब क्या? मुझे खाने से पहले ये बांसुरी बजाओ, मैं दीवानों की तरह नाचना चाहती हूँ। ठीक है। फिर भेड़ बांसुरी बजाने लगता है। बकरी ने बहुत चालाकी से भेड़ को उलझाए रखा। तितली ने जाकर ये पूरी घटना कुत्ते को बताई। तितली की बात सुनकर कुत्ता बकरी की तरफ मदद के लिए दौड़ पड़ता है। निर्दयी भेड़, बकरी से दूर ही रहना। कुत्ते को अपनी तरफ आते हुए देख भेड़िया बांसुरी फेंक देता है और वहाँ से भाग निकलता है। अरे नहीं, मैं क्यों इस बकरी की बातों में आ गया? बचाओ, बचाओ।